अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वलीद असलम ग्राफिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी इमेज के ऊपर आप ऑयल पेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, या किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर आप ऑयल इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ऑयल इफेक्ट ऐड किया जाता है। सो अभी मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है। फ़ोटोशॉप जैसे ही ओपन करेंगे आप इसके ऊपर जो है वो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप यहाँ पर इमेज यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप या इमेज ऐड करेंगे जिसके ऊपर आप ऑयल इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑयल पेंटिंग की जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल प्लस जे। जैसे ही कंट्रोल प्लस जे करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। ओके, इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ, और एडजस्टमेंट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है शेडो एंड हाइलाइट्स। शेडो एंड हाइलाइट्स में आने के बाद यहाँ पे ये जो मेरे पास शेडो का ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको 30% ले लेता हूँ, और ये जो हाईलाइट है आप अपनी इसको मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 60% ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन इमेज पे क्लिक करूँगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास लेवल्स, इस पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आपने लेवल सेलेक्ट करना है, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होगा, जितना भी हुआ आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस में इसको 250 मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन जो है वो एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल प्लस जे करने के बाद आपने लेयर ऐड कर लेनी है। ओके, सो इसी लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और फिल्टर पे क्लिक कर देना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हाई पास का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रेडियस चेक कर लेना है, रेडियस आपके पास 2 ही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा। ब्लेंडिंग मोड आपने इसको ओवरले पे इसको जो है वो कर देना है। उसके बाद मैं ये दोनों लेयर्स को मर्ज करना चाहता हूँ, तो आपने कंट्रोल के बटन से दोनों को लेयर को सिलेक्ट करना है, माउस से राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे मर्ज लेयर पे क्लिक करने के बाद दोनों लेयर्स को मर्ज कर देना है। उसके बाद मैं इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए फिल्टर पर क्लिक करूँगा। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं शार्पन पे क्लिक करता हूँ। शार्प पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनशार्प मास्क पे ले आता हूँ, और यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपने इसको चेक कर लेना है कि आप इसको 150 में यहाँ अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाद में हम इसको चेक कर लेते हैं। रेडियस जो है वो 2 होना चाहिए, 2 पिक्सल्स, और थ्रेश होल्ड जो है वो मैं 0 ही सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो मैं इसको जो है वो क्लिक करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज के ऊपर ऑयल इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ऑयल इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करना है, इसी लेयर को मैं सिलेक्ट करते हुए फिल्टर पे क्लिक करूँगा। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्टेलाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफ्यूज पे क्लिक करेंगे। आपके पास बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल पे होगा, नॉर्मल पे आपने इसको जो है वो चेंज करना है, और यानी सो ट्रॉपिक पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है थोड़ा सा क्लियर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं डिफ्यूज़ अगेन इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ताकि सारी इमेज जो है जब इसके ऊपर डिफ्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही वाजे नज़र आएगा। सो इसके लिए यहाँ पे मैं इमेज पे आऊँगा। इमेज पे आने के बाद यहाँ पे आपने आना है इमेज रेजोल्यूशन 90 डिग्री। इससे पहले अभी हम इसके ऊपर जो है वो ठीक है 90 डिग्री आप इसको क्लॉक वाइज रोटेट करें। रोटेट करने के बाद यहाँ पर फिल्टर पर और डिफ्यूज़ अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे फिर इमेज पे आएँ और 90 डिग्री पे इसको जो है वो रोटेट करें, डिफ्यूज़ अप्लाई कर दें। अब हम ये क्यों इसको इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज़ जो है वो बिल्कुल थोड़े से हिस्से पे अप्लाई होता है, तो जब हम इसको चेंज करके डिफ्यूज़ अप्लाई करते जाएंगे तो फिर पूरी इमेज पे डिफ्यूज़ अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फाइनली अगेन जो है वो मैं आता हूँ 90 डिग्री पर इसको रोटेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफ्यूज़ अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी इमेज पर डिफ्यूज़ जो है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसी लेयर को सेलेक्ट करते हुए फिल्टर पे आना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉइज़, और यहाँ पे मैं रिड्यूस नॉइज़ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ इसकी जो है वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जो स्ट्रेंथ है मेरे पास ये आपने 10 ही रखनी है, बाकी इसके ऊपर जो है वो प्रिजर्व डिटेल्स, रिड्यूस कलर नॉइस और शार्पन डिटेल्स जो है वो आपने 0 ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, सो ओके करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन जो है वो फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शार्पन और अनमास्क शार्प, और यहाँ पे आपने
मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, ये पहले 150 था, मैं इसको 100 तक ले लेता हूँ। रेडियस आपके पास 2 ही रहेगा और थ्रेशहोल्ड जो है वो भी आपके पास बिल्कुल 0 ही रहेगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं लेयर का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, रीनेम, इसको पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रीनेम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नेम रख रहा हूँ ऑयल पेंटिंग लेयर, सो इसको मैं ऑयल पेंटिंग लेयर, मैंने इसका जो है वो नेम चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट लेयर लेयर लूँगा, कंट्रोल प्लस जे। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैं अगेन फिल्टर पे क्लिक करूँगा, अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन जो है वो इसके ऊपर हाई बेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने चेक कर लेना कि रेडियस आपके पास 2 होना चाहिए और फिर मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम करता हूँ 50%। ओके, और यहाँ पे मैं इसका मोड भी चेंज कर दूंगा, ब्लेंडिंग मोड में इसका ओवरले ले लेता हूँ। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका नेम जो है वो अगेन हम चेंज करेंगे, इसका नेम आप एक्स्ट्रा डिटेल्स में इसका नेम रख लेता हूँ। ओके, सो एक्स्ट्रा डिटेल्स, मैंने नेम इसका चेंज कर लिया। मैंने ये तमाम लेयर्स को इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करने का तरीका अगर ये आल्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ई ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऐड लेयर्स जो है मेरे पास ऐड हो जाएंगे। मैं अगेन इसका नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लेयर का नेम रख देता हूँ टोन, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर टोन अप्लाई करना है। टोन कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इमेज पे आऊँगा, इमेज पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑटो टोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, और ओपेसिटीज की आपने जो है वो 50% कर देनी है, सो यहाँ पे मैं 50% कर रहा हूँ। सो इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ लाइट्स, क्योंकि अभी हमने अपनी लाइट्स इसके ऊपर ऐड करनी है। सो लाइट्स के लिए यहाँ पे मैं ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद आप इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, साइज़ चलिए मैं इसका इतना साइज रख लेता हूँ, और यहाँ पे इसका जो फॉर ग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर ले रहा हूँ, ओके करूँगा और यहाँ पे हम कलर जो है वो ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी से कलर जो भी रखना चाहें कलर आप ले सकते हैं। सो मैं अगेन जो है वो फोरग्राउंड कलर चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं कलर अभी जो है ये ले रहा हूँ और उसके बाद ये कलर जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं ये कलर ऐड करता हूँ, कलर ऐड करने के बाद आपने इसका मोड चेंज करना है और यहाँ पे आपने इसका मोड ले लेना है ओवरले। जैसे ही मैं ओवरले इसका मोड लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो पेंटिंग हो चुकी हुई है। इस तरह से आप कलर जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किसी इमेज के ऊपर किस तरह से हम ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।